हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष यादव और ये हमारा पहला सा चैनल केमिस्ट्री इंजेक्शन। मुझसे किसी ने पूछा, सर आपने इस चैनल का नाम केमिस्ट्री इंजेक्शन क्यों रखा? इंजेक्शन मींस जो बहुत तेजी से चल रहे, और अब हमें क्या जरूरत है? एग्जाम टाइम आ गया भाई साहब, अब हमें जरूरत है तेज। हमने चीजें पढ़ रखी है, हमने चीजें समझ रखी है, लेकिन हमने चीजों को रिवाइज जो किया है वो थोड़ा सा कहीं स्लो हो गया। उसी रिविजन को अपन फास्ट तरीके से करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट यूज बहुत आते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो लगातार बनाता रहूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक भी करें, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके फोन पे आता रहेगा, जो आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिट है। और हमें पता है कि ये टाइम कोरोना का है, टाइम सबका होता है, आया चला जाएगा, लेकिन अपना एग्जाम टाइम थोड़ा सा आने वाला है एक दो महीने में। थोड़ा उसकी भी प्रिपरेशन करने के लिए हमें पता है हम कहीं निकल नहीं पा रहे, घर से बाहर जा नहीं पा रहे, तो हम क्यों ना घर बैठे ही पढ़ाई करें। घर बैठे ही अगर हमें वैसा कंटेंट मिल जाए तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, उन टॉपिक्स के नाम है जैसे आज हमें टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DB। ये दोनों एक ही नाम है, कभी किसी किसी बुक में आपको DU के नाम से ही मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से ही मिल जाएगा, चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं। दूसरी बात, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कोई कंपाउंड गिवन है, हमसे पूछा गया कि उसकी अनसैचुरेशन कितनी है। अनसैचुरेशन का मतलब जैसे उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी रिएक्शन में आपको जो कंपाउंड देता है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कि ये रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। तो हमें पता होता है कि रिएक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, क्या वो कीटोन है या नहीं, क्या वो एल्कोहल है या नहीं, ये सब हमें किसमें पता चलेगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस वीडियो को आप देखते रहे, अपनी पेन कॉपी ले लें, जिससे कि आपको समझने में, आपको प्रैक्टिस करने में, हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं आप, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए इस वीडियो के एंड में, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? देखिए, कभी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो इसके हमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इफ कंपाउंड इज गिवन, इफ कंपाउंड इज गिवन, मतलब क्या हुआ? कंपाउंड इज गिवन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई कंपाउंड बनाकर देगा और उसमें पूछेगा इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। सेकेंड चीज, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन, या तो हमें कोई कंपाउंड बनाकर देगा या तो हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर देगा या हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख कर देगा, हमें पता लगाना है कि उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। बहुत ही इजी है ये टॉपिक, बहुत इजी है और इजी तरीके से समझेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से ही इसकी सीखना है। पहला सीखना है इफ कंपाउंड इज गिवन, मतलब क्या हुआ? हो सकता है आपको ये कंपाउंड गिवन, हो सकता है आपको ये कंपाउंड गिवन, हो सकता है आपको ये कंपाउंड गिवन, इस तरीके के कंपाउंड गिवन हो सकता है, तो आपसे पूछेगा कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, आपको क्या करना है? हीरो की तरह काम करना है। किसकी तरह काम करना है? हीरो की तरह। हीरो क्या करता है? हीरो आता है, धड़ाम धड़ूक मारता है और अपना काम करके चला जाता है। आपको भी यही करना है, आपको भी पूरी चीज यही करना है। क्या करना है? पहली चीज, इस कंपाउंड में जो भी कंपाउंड में गिवन है, जो भी कंपाउंड में गिवन है, उस कंपाउंड में हम कितने बॉन्ड ब्रेक करें कि वो ओपन में और एल्केन में चेंज हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका? इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में हम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करें कि वो कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और एल्केन में चेंज हो जाए। जितने बॉन्ड आप तोड़ते हैं वही आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, वही आपकी ड्यूरेबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। समझ में आएगा? इस एग्जांपल को करता है,
क्या मुझे पता है कि ये ओपन तो है, ओपन चेन, लेकिन एल्केन नहीं है, क्या है ये? एल्कीन है। क्या इस एल्कीन को ब्रेक करेंगे तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड में हमें इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि वो कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और एल्केन में चेंज हो जाए। कोई डाउट? कितनी डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन हो गई इसकी? बच्चों इसको करते हैं, क्या ये पाई बॉन्ड अभी भी दिख रहा है मुझे? एक। क्या एक और पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? क्या मुझे पता है ओपन में है, तो क्या ये अब एल्केन में भी हो गया और ओपन में भी चेंज हो गया? कितने बॉन्ड तोड़े मैंने? दो। डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन कितनी हुई? दो। बहुत इजी है, इसको करते हैं। क्या मुझे पता है कि ये साइक्लिक है और अंदर एल्कीन है? इसका मतलब पहले साइक्लिक को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे वो ओपन में चेंज हो जाए, और एल्कीन को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे वो एल्कीन में चेंज हो जाए। एक बॉन्ड ब्रेक किया जिससे वो किस में चेंज हुआ? ओपन में। एक और बॉन्ड ब्रेक किया जिससे वो किस में चेंज हो गया? एल्कीन में। डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन कितनी हुई? दो। आपके लिए होमवर्क, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं इजीली। करिए आप, क्या मुझे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड आप फास्ट कर सकते हैं? क्या मुझे पता चला यहां कितने बॉन्ड? चार। यहां मुझे पता है सिर्फ एक यही, बाकी ओपन में ही है, एल्केन में भी है, इसका मतलब यहां डिग्री दे होगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला दे सकता है। कैसे? Let's suppose, आपको दिया C4H8। मैंने पूछा इसमें डीओ कितनी है? हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे निकालते। सिंपल, की पेशेंस, हां आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? मैं चीजें सीखते रहिए, करते रहिए। जैसे आपसे पूछा C3H6, आपसे पूछा C2H2, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपसे ये पूछ सकता है CH C2H2O2, ये भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है C2H2Cl2, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपसे कोई फॉर्म हमको पूछे कि मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और मुझे डीओ निकालनी है, तो भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल तरीका है डीओ निकालने का, ध्यान दीजिए। डीओ इज इक्वल टू C+1 - H+X - N/2। ध्यान देना बेटा, C denotes for number of carbon, H denotes for hydrogen, पता है सबको, X बच्चों halogen, and N for nitrogen। मतलब सोचिए halogen है, nitrogen है, तभी इनका रोल आता है, ऑक्सीजन का कोई रोल आ ही नहीं रहा। क्या मुझे पता है C denotes for number of carbon, H denotes for hydrogen, X halogen, N nitrogen। हमें इस चीज को बेटा हमेशा ध्यान रखें, और बहुत सिंपल तरीका है, यहां कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि प्लस कहां था माइनस कहां था। H plus X minus N, N for negative, और negative के पास ही क्या होगा? Negative. N for nitrogen, nitrogen के पास क्या होगा? Negative. तो याद रखना, N के पास ही negative. N for nitrogen, N for negative. सिंपल है, रखते हैं C4H8, 4 अगर यहां रखें तो 4 + 1 = 5, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कितने? 8, 8 / 2 कितना हो गया? 4। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर इसकी बात करूं तो लिख सकते हैं अपन 4 + 1 - 8/2 कितना आ गया बच्चों? 4 + 1 = 5, 5 - 4 = 1। अब समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझना? मुझे पता लगा कि यार यहां पर डीयू कितनी है, ठीक है भाई। डीयू 1 का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन 1 का मतलब क्या हुआ? पीछे आइए, क्या मुझे पता था कि यहां पर मैंने एक बॉन्ड तोड़ा था तो डीयू कितनी हुई थी? 1। अगर मैं यहीं पर एक कंपाउंड और देता, सिंपल साइक्लिक, इसको ब्रेक करिए, इसकी भी डीयू कितनी होगी? 1। कोई दिक्कत? तो सोचो अगर मेरे पास एक डीयू है तो मैं उस एक डीयू का क्या क्या बना सकता हूं? क्या मैं उसको एल्कीन बना सकता हूं? ओपन चेन में बिल्कुल बना सकता हूं। क्या मैं साइक्लिक में एल्कीन बना सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डीयू कितनी है बेटा? 2 है। हमारे पास डीयू कितनी आई है? 1 आई है। इतनी डीयू आई? 1 आई है। तो यहां पर जानना है हम लोग को कि अगर मेरे पास एक डीयू है तो इस एक डीयू से क्या क्या हो सकता है। ध्यान दो, अगर मेरे पास डीयू एक है तो क्या उस एक डीयू से एल्कीन बन सकती है? बन सकती है। क्या उससे साइक्लिक बन सकती है? बन सकती है। क्या मैं आपसे पूछूं क्या ये बन सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां डीयू कितनी आ गई? 2। इसलिए ये कंपाउंड C4H8 से नहीं बन सकता। तो देखिए कितना इजी हो गया चीजें समझना। हमें पता लगा कि किसी भी एल्कीन या एल्केन में हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो हम
कैसे किसी भी चीज को बता सकते हैं कि वो क्या क्या बन सकता है। तो सोचिए किसी भी रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन करने लगे तो हमें अगर कोई चीज क्लियर हो जाए तो क्या रिएक्शन करने में हमें हेल्प नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। C3H6 क्या हम थोड़ा सा तेज कर सकते हैं? बिल्कुल। हमें पता है C+1 - H+X - N/2। X N है नहीं यहाँ पर, सिर्फ हाइड्रोजन। 3+1 = 4। 6 / 2 = 3। तो 4 - 3 = यहाँ पर भी क्या? बच्चों हमने ये देखा कि कंपाउंड में हमें ये पता चला कि अगर हमें DU निकालनी है तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड भी होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इतने ज्यादा ब्रेक करने हैं कि आपको कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाए, ओपेन में कन्वर्ट हो जाए और एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया, कोई दिक्कत? सेकंड थिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तब हम क्या करेंगे? मुझे पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो हम यहाँ पर C+1 - H+X - N/2। C डिनोट्स फॉर कार्बन, H हाइड्रोजन, X हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, N फॉर नाइट्रोजन। डिवाइड बाई टू कर देंगे यहाँ पर, इजिली हमें निकल आएगा। मुझे पता लगा कि अगर मेरे पास कोई एक DU है तो एक DU में क्या क्या बन सकता है? या तो एल्कीन बन सकती है या तो साइक्लिक एल्केन बन सकता है। मैं आपसे पूछूं, साइक्लिक एल्कीन बन सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहां DU कितनी है बच्चों? 2। क्लियर हुआ क्या आपको? यहां पर एक लास्ट अपने को सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये JEE में। ये JEE में ही कभी पूछ लेता है, अच्छे टॉपिक है, अच्छे लेवल के हैं। यहां हमसे पूछा कि बताइए मुझे क्यूब की DU क्या होगी? क्यूब मतलब कुछ इस तरीके से होता है। तो अब किसी ने कहा कि सर आपने बोला कि कंपाउंड अगर बनाकर दिया है तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद ओपेन में और एल्केन में चेंज कर देंगे, तब तक तोड़ते रहेंगे, तीनों भी रहे। मैंने कहा नहीं, इसमें तुम अगर तोड़ने वाला मेथड लगा लिए ना तो तुम भूल जाओगे कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं निकाल सकते। इसके लिए सिंपल है, आप यहां पर जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत सिंपल तरीके से। क्या मुझे पता है कि यहाँ कार्बन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यूब क्या है? क्यूब ये कॉर्नर की रूम ही तो क्यूब है, कितने कॉर्नर है? मुझे पता है 8 कॉर्नर है। 8 ऊपर क्या होगा? कार्बन होगा। और एक कार्बन की 3 वैलेंसी बिजी है, कितनी बिजी? 3 वैलेंसी बिजी है। तो 3 वैलेंसी बिजी है तो बची कितनी वैलेंसी? 1, मतलब हर कार्बन पे क्या होगा? 1 का 1 हाइड्रोजन होगा। इस तरीके से हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 होगा? अब हम निकाल सकते हैं C+1 (8+1) - H/2 मुझे नहीं पता क्यूब में क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे किस तरीके से हम निकाल रहे थे, हमें दिख रहा था कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक है तो हम निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है तो हम बता सकते हैं। हमें यहां नहीं दिख रहा था कुछ। क्या मुझे देखने के लिए रूम के अंदर जाना पड़ेगा? सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ आएगा। मान लीजिए मैंने कहा इस रूम की DU निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस रूम के अंदर पहले आऊंगा, आने के लिए मुझे एक रिंग तोड़नी पड़ेगी, तभी मैं अंदर आ पाऊंगा और देख पाऊंगा अंदर क्या क्या है। सिंपल हुआ, एक रिंग हमने तोड़ दी। अब एज्यूम करिए रिंग कितनी बची? सामने वाली 1, 2, 3, 4, 5। क्या 5 रिंग बची? तो DU कितनी होगी? 5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, आपने सब नाम सुना होगा झोपड़ी, कोई इसको गलत नाम नहीं पड़ेगा, इट्स अ झोपड़ी। ओके, अब आप सोचिए कि अगर मेरे पास कोई एक हट है, कोई झोपड़ी है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? क्या मैं कुछ इसी तरीके से इसको ड्राइव कर पाऊंगा? थोड़ा सा ऐसे अगर करे तो ऐसे ही बने। अब इसको निकालना टफ है, बहुत टफ है, लेकिन अगर हम इस झोपड़ी को अपने मेथड से निकालें, 3D मेथड से निकालें, तो हम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है कि झोपड़ी कुछ इस तरीके होगी। अब देखिएगा, ऐसे होती है झोपड़ी, एक आगे पीछे, और नीचे तो अपना बेस है,
ऐसे होती है, ऐसे होती है, और पीछे और नीचे बेस होता है। आप एकदम हीरो की तरह गए, दरवाजा तोड़ा आपने, हीरो की तरह दरवाजा तोड़ दिया, आपने क्या देखा, एक ये सरफेस है, एक ये रिंग है कह सकते हैं, एक ये रिंग है, एक नीचे वाली हो गई और एक पीछे वाली हो गई, एक दो तीन चार, कितनी रिंग हुई इसकी, चार। अगर हम निकालना भी चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी सिक्स एस सिक्स निकालिए, सिक्स प्लस वन सेवन, सिक्स डिवाइड बाई थ्री कितना आ गया, कितना आता है यहां पर, किसी निकाल से यहां पर देखनी रहा, देख लो, दो तीन एक दो तीन चार पांच कितना है, सी सिक्स एस, तो आप फॉर्मूला से निकालें तो भी आएगा, ऐसे निकालें तो भी आएगा, ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हमें सिंपल सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है, कंपाउंड गिवन है तो क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो क्या करना है, कोई 3D स्ट्रक्चर गिवन है तो अपन हीरो है, सिंपल। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।